हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन बुटीक। सो गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बुजुर्ग लेडी के लिए जो सादा सलवार होता है उसकी परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे की जाती है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सो केवल 2 मीटर कपड़े में ही मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले हमने इसे 4 फोल्डेड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको 4 बार 4 फोल्ड करके रखा है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर अब इसकी लंबाई रखेंगे हम। सो इसकी फुल लेंथ है वो है यहाँ पर 40 इंच। तो तैयार सलवार की लेंथ है हमारी 38 इंच। तो गाइज, इसे हम करीब यहाँ पर 40-41 इंच की लेंथ है फैब्रिक की। सो इसे हम फुल लेंथ ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस पर 2 से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रख लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। सो गाइज, ये देखिए, इसको 4 फोल्डेड करने के बाद यहाँ पर हम दोनों तरफ से मोहरी का मेजरमेंट कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 8 इंच। सो 8 इंच की हमारी मोहरी है गाइज। सो यहाँ पर 8 इंच रखते हुए हमने 4 फोल्डेड किया है फैब्रिक को एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है वो होता है, इसकी कटिंग करेंगे। देन इसके बाद हमें कली कटिंग कर लेना है। सो केवल हम 2 मीटर फैब्रिक में ही बनाएंगे इसको। सो गाइज, ये देखिए, कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर ये वाला जॉइंट फैब्रिक है इसको भी हम कट करते हुए अलग कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्ट हमें अलग अलग कर लेना है। एंड गाइज, जितनी भी आपकी मोहरी का मेजरमेंट हो उसे 4 फोल्डेड करते हुए आप यहाँ पर रख लीजिए एंड कटिंग कर लीजिए। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने सेंटर का पार्ट कट किया है। देन ये बचा हुआ जो फैब्रिक है साइड से हमारा, उसे हमें 2 फोल्डेड करना है। सो ये देखिए, ये हमें डबल कर लेना है। सो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको डबल कर रखा है गाइज। ये देखिए, यहाँ पर बराबर तरह से मिला लेंगे हम इसको एंड डबल करते हुए हमने इसको रख लिया है यहाँ पर, ये देखिए। एंड अगेन गाइज, इसकी भी लेंथ हम पूरी रखेंगे। इसी तरह हमने इसको खड़ा रखा है यहाँ पर इस तरह से। देन गाइज, यहाँ पे हमें 2 इंचेस पर मार्क कर लेना है। एंड गाइज, 2 इंचेस पर हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है। तो दोनों तरफ से हमने 2-2 इंचेस पर मार्क किया है एंड ये वाले निशान को हम तिरछा मिला लेंगे यहाँ पर। तो दोनों तरफ से हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमें बिल्कुल क्रॉस करते हुए इसको मिला लेना है एंड अगेन यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने मार्किंग की थी सेम वैसे ही हमने तिरछा इसको कट कर लेना है। सो ये हमारी कली कट हो जाएगी। सो ये देखिए गाइज, ये वाला पार्ट उठा के हमें यहाँ मिला लेना है। सो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरह से चारों कलियाँ कटिंग हो चुकी है एंड पार्ट जो सेंटर पार्ट है उसकी एंड कली की लेंथ बिल्कुल बराबर आई है हमारी यहाँ पर, जितनी भी हमारी 21 लेंथ थी। एंड अगेन गाइज, ये देखिए, बिल्कुल बराबर रखते हुए हम चारों पार्ट को मिला लेंगे यहाँ से एंड यहाँ से जो क्रोच एरिया है उसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये देखिए, क्रोच एरिया कटिंग करने के लिए मैं 9 इंचेस पे मार्क करूँगी। सो 9 इंचेस की हमारी क्रोच एरिया की कटिंग हो जाएगी यहाँ पर एंड यहीं से हमारी मियानी भी कटिंग हो जाएगी। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ से ये मियानी भी अलग से कट हो जाएगी एंड क्रोच एरिया की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से, ये देखिए। सो गाइज, ये मियानी को हम यहाँ पर अटैच्ड कर लेंगे एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा हमें ऊपर से फोल्डेड करना होता है डोरी डालने के लिए। सो गाइज, ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग हो चुकी है इसकी एंड यहाँ पर ये जॉइंट वाला जो पार्ट है इस तरफ से इसको भी हम कट करते हुए ओपन कर लेंगे। सो चारों पार्ट की कलियाँ हमने अलग अलग कर लेना है गाइज। सो 2 तो पहले से ही हमारी कट थी, ओपन साइड थी वो वाली साइड पर एंड जो बंद वाली साइड थी उसे कट करते हुए हमें अलग कर लेना है। इसके बाद गाइज, हमें सिलाई लगानी है। सो इसकी परफेक्ट सिलाई कैसे की जाती है सो मैं सिलाई भी आपको बताऊँगी। सो चलिए, हम सिलाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब। सो गाइज, ये देखिए, इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो चुकी है एंड अगेन हमें सिलाई लगानी है। सो सबसे पहले हमने जो सेंटर का पार्ट कट किया है उस पर हमें कली को ज्वाइन कर लेना है गाइज। सो चारों कली हमें इसी पर ज्वाइन करना है गाइज। सो चलिए, हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरह से हमने सीधा रखा है पार्ट को एंड ये कली ली है हमने। इस तरह से कली को बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए ज्वाइन करना है हमें यहाँ पर। सो करीब 1 पैर की स्टिचिंग करेंगे गाइज हम। ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है हमें इस पर। ये देखिए, इस तरह से हमें ये कली ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो नीचे वाला फैब्रिक आप सीधा रखिएगा एंड कली वाला फैब्रिक है ऊपर से उल्टा रहेगा। तो ये देखिए गाइज, दोनों तरफ से हमने मिलाते हुए फैब्रिक को सिलाई लगा लेना है एंड ये कली ज्वाइन कर लेना है। सो गाइज, ये देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगाते रहेंगे हम एंड ये वाली कली ज्वाइन कर लेना है। सो 8 इंच की हमारी मोहरी थी सो उसका 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा एंड 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखा है मोहरी पर, जहाँ पर हमने मार्किंग करते हुए तिरछा कट किया था। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगाकर कली को ज्वाइन किया है। ये देखिए गाइज,
एंड गाइज सेम इसी की तरह हमने चारों कलियां ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए गाइज, ये हमारी कली है, सो वन कली हमने ज्वाइन की है एंड इसी की तरह हमें फोर फोल्ड कली को ज्वाइन कर लेना है। तो चारों कलियां हम स्टिच कर रेडी करेंगे। चारों कली स्टिच होने के बाद ये देखिए जो मियानी कट करी थी हमने, उसका सेंटर वाले पार्ट पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए बिल्कुल दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए हमें सीधी सीधी स्टिचिंग कर लेना है। एंड ये वाली सेकेंड पार्ट है गाइज, इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। सो दोनों को मिलाते हुए हमें सीधा सीधा सिलाई लगा लेना है गाइज। तो ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगा ली हमने एंड अगेन इसको हमें पलट लेना है फ्रंट साइड पर। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा कर लेंगे हम और जो सिलाई वाला मार्जिन का फैब्रिक है उसको एक तरफ पलटते हुए बिल्कुल ऊपर हमारे फ्रंट साइड से उसी के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई वाले फैब्रिक को हमें नीचे से एक तरफ पलट लेना है एंड उसी के ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेना है। सो गाइज दोनों हमने स्टिच कर लेना है। देन अगेन गाइज यहाँ पर हमने जो कली ज्वाइन करी थी क्रोच वाला एरिया है वहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। सो ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से रख लेना है इसको। सो बिल्कुल ऊपर की तरफ रखा है हमने यहाँ पर, ये देखिए, एंड इसको वन पैर की स्टिचिंग करते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ पर इसी तरह से हमें सीधे सीधे सिलाई लगा लेना है गाइस एंड धागे को कट करेंगे हम यहाँ से। एंड आप चाहो तो इसी को बैक साइड पलट लीजिए। सो ये देखिए हमने इसको बैक साइड पलट लिया है एंड यहीं से हमें फिर से इसी के ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है। सो गाइस सेकेंड वाली जो मियानी है सेम उसी प्रोसेसिंग से उसे भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों मियानी हम एक पार्ट पर ही अटैच्ड कर लेंगे। सो गाइस दोनों को हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमारी सेकेंड वाला जो पार्ट है उसे इस तरह रखना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे हम और सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सो ये देखिए गाइस यहाँ से हमें बिल्कुल स्टिच कर लेना है इसको जिस तरह से हमने बताया था आपको। सो दोनों पार्ट हम एक पार्ट पर हम दोनों मियानी अटैच्ड कर लेंगे। तो वो वाले पार्ट पर हमें नहीं अटैच्ड कर लेना है क्योंकि गाइस दोनों पार्ट हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे उस टाइम पर ये जॉइंट हो जाएगी। तो बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आपको सिलाई लगाना। फिर से गाइस इसे इसी तरफ सीधी तरफ पलट लेंगे हमें एंड यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेना है। सो ये देखिए बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच करते हुए इसको रेडी कर लेना है। सो दोनों स्टिच होने के बाद गाइज यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को मिला लेना है। सो ये देखिए यहाँ पर ये सेकेंड वाला पार्ट रखेंगे हम एंड अगेन गाइज हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। सो गाइज ये देखिए ये वाला पार्ट है उसको यहाँ पर रखेंगे एंड यहीं से हमें मियानी भी अटैच्ड कर लेना है सेकेंड वाले पार्ट पर। सो गाइज यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है इस पर एंड वन पैर की स्टिचिंग ही करेंगे गाइज। हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, वो वाली साइड पर हम थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक रखेंगे क्योंकि उस पर डोरी बनाने के लिए स्टिच कर लेना है हमें। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर वन पैर की स्टिचिंग करते हुए हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइज ये देखिए सीधी सीधी सिलाई लगा ली है हमने। देन अगेन यहीं से हमें इसको पलट कर सिलाई लगानी है। सो गाइज ये देखिए सीधी साइड पलट लिया हमने इसको एंड इसका जो फैब्रिक है वो हमने जो पार्ट है हमारा उस तरफ रखते हुए सिलाई लगाइए ऊपर से। सो गाइज ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे एंड इसका फैब्रिक हमें एक तरफ पलट लेना है जो नीचे से हमारा सिलाई वाला फैब्रिक है। सो गाइज ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे हमने ऊपर किनारे पर सिलाई लगा ली है। देन अगेन गाइज यहाँ पर ये वाला जो सेकेंड तरफ है उस पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। सो दोनों पार्ट हम मिला लेंगे यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड अगेन मिलाने के बाद यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक हमें 1 इंच चौड़ा रखना है। ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए गाइज यहाँ पर इस तरह से हमें बिल्कुल सीधे सीधे स्टिचिंग कर लेना है इसकी भी एंड ये वाला मियानी को भी इसी तरह से ये वाले पार्ट पर स्टिच कर लेंगे। तो गाइज ये देखिए बिल्कुल वन पैर की स्टिचिंग कर लेना हमें यहाँ पर एंड इसको फिर से हमें सीधी तरफ पलट लेना है एंड ये वाली जो फैब्रिक की साइड है उसके किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइज बिल्कुल फिनिशिंग से हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। सो गाइज ये देखिए इसके किनारे पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम एक तरफ उतार लेंगे सिलाई को, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमें धागा बार बार कट नहीं करना हो इसलिए। सो गाइज ये देखिए अब नीचे से जो फैब्रिक है हमारा उसको हमें अलग अलग कर लेना है, यानी कि दोनों तरफ कर लेना हमें इधर उधर एंड इस पर हमें चौकोर सिलाई लगानी है। सो करीब 2 इंच चौड़ी रखी है हमने इसकी लंबाई क्रोच एरिया जो हमने चौकोर बताया आपको सिलाई इस तरह से। सो गाइज ये देखिए इस तरह से हमने इस पर चौकोर सिलाई लगा ली है
एंड ये पार्ट हमने अलग अलग रखे थे इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ से हमें डबल फोल्डेड कर लेना है गाइज, इस तरह से ये देखिए। एंड डबल फोल्डेड करते हुए हम इस पर राउंडली सिलाई लगाएंगे। सो गाइज, जो नॉर्मली सिलाई स्टिच होती है सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी सिलाई करी है। इसमें बेल्ट अटैच नहीं करना होता है सादी सलवार में। सो गाइज, ये देखिए इस तरह से हम इस पर राउंडली डबल फोल्डेड करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सो गाइज, इसे चारों तरफ से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ पर रेडी कर स्टिच कर लेना है। सो गाइज, ये देखिए यहाँ पर रेडी होने के बाद हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। एंड ये वाला जो डोरी डालने वाला पार्ट है उसे मैं कट कर बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा धागे ऊपर से हमें कट कर लेना है। एंड इसके सेंटर पर जहाँ पर हमने अलग अलग फैब्रिक किया था उस पर कट कर लेना है, ये देखिए। सो गाइज, इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर मोहरी बनानी है हमें। सो मोहरी के लिए देखिए हमने बुकरम कटिंग किया है। सो इसकी लेंथ रखी है हमने यहाँ पर 16 इंच। सो गाइज, ये देखिए जितनी हमारी मोहरी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी लंबाई रखी है। एंड चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है गाइज, 1 इंच जितना ही हमने चौड़ा रखा है। एंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जितना चौड़ा या लंबा रखना चाहते हो तो कट कर लीजिए। तो गाइज, इसको हम डायरेक्टली इसी पर बनाएंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था यहाँ पर। तो गाइज, ये देखिए पहले हम डबल फोल्डेड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमें हाफ फोल्डिंग कर लेना है, उसके बाद फिर से हमें डबल फोल्डेड कर देना है यहाँ पर इस तरह से। एंड बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। सो बहुत ही इजी मेथड से हमारी फास्ट सलवार बनकर रेडी हो जाती है गाइज। एंड आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप अलग से फैब्रिक पर ज्वाइंट कर बुकरम को फिर उसके बाद स्टिच कर सकते हैं। सो गाइज, हम इसी तरह से स्टिच करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऐसे बिल्कुल डबल फोल्डेड करते हुए हमें इसके किनारे पर सिलाई लगानी है गाइज। एंड गाइज, सेम इसी प्रोसेसिंग से हमें सेकेंड वाली जो मोहरी है उसे भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। सो गाइज, जो सेकेंड वाली जो हमने बुकरम कटिंग करी है वो इसी प्रकार से हमें रखना है यहाँ पर, ये देखिए। सो पहले हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, देन अगेन डबल फोल्डेड कर हमें सिलाई लगानी है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम डबल फोल्डेड करते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्डेड करेंगे हम यहाँ पर। एंड अगेन हमें सीधी सीधी सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। सो गाइज, बिल्कुल फिनिशिंग से हमें यहाँ पर करीब 4 सिलाई लगानी है। अब यहीं से हमें ये सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है हमें इसको। अब इसको हमें यहाँ से सिलाई लगाने के बाद सीधी तरफ पलट लेना है गाइज, धागा हमें बार बार कटिंग नहीं करना है। सो इसको फ्रंट एंड बैक पलटते हमें 4 सिलाई रेडी कर लेना है इस पर लगाते हुए। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने अब इसको सीधी साइड पर रखा है इस तरह से। अब बिल्कुल यहाँ पर जो कॉर्नर साइड है इसके नीचे की तरफ बॉटम की, वहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है गाइज। तो ये देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसको। सो गाइज, ये वाले पार्ट को भी हमें साथ में ही चलने देना है, तो दोनों मोहरी हम इसी तरह से स्टिच करते हुए रेडी करेंगे। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर सिलाई लगने के बाद फिर से हमें इसको बैक तरफ पलट लेना है, ये देखिए। अब यहीं से हमें फिर से स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर करीब 4 सिलाई लगानी है हमें। सो ये थर्ड वाली सिलाई है। सो गाइज, ये देखिए बिल्कुल सिलाई सीधे सीधे लगाते रहेंगे हम। एंड ये सेकेंड पार्ट आ चुका है, इस पर भी हमें सिलाई लगानी। सो गाइज, जितनी आपकी मोहरी की चौड़ाई हो उसके अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा चौड़ी हो तो आप 5-6 सिलाई लगा लीजिए। सो गाइज, हमने 1 इंच चौड़ी रखी थी, केवल इस पर 4 सिलाई ही लगेगी, इसलिए हम 4 सिलाई लगाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। सो गाइज, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए हमने इसको फ्रंट साइड पर पलट लिया। एंड ये लास्ट वाली चौथी सिलाई बची है। सो ये देखिए, हमने लास्ट वाली सिलाई भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है गाइज। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर चौथी सिलाई लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देन अगेन गाइज, यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जो हमारी मोहरी की बॉटम की जो गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे हम। सो ये देखिए, दोनों पार्ट हम अलग अलग करेंगे। एंड यहाँ पर हमें इसे बैक तरफ पलट लेना है, ये देखिए उल्टा करके रखा है हमने। अब यहाँ पर हम इसका जो भी मेजरमेंट हो, सो हमारी मोहरी की जो लंबाई थी गोलाई वो है 8 इंच। सो 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी, ये देखिए। एंड यहाँ से हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है तिरछी। सो गाइज, ये देखिए तिरछी सिलाई लगाते लगाते हम इसकी दोनों पार्ट मोहरी के कंप्लीट करते हुए डबल सिलाई से रेडी करेंगे। एंड मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी लगती है एंड कैसा इसका लुक आया है। सो गाइज, यहाँ पर हम कम्प्लीटली 2 सिलाई लगाकर रेडी करेंगे। सो ये देखिए गाइज, इसका फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। और भी डिजाइनर गाउन्स वगैरह बना रखी हमने एंड पटियाला सलवार बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।